तो हमें जो रिपोर्ट बनानी है, पहले समझिए प्लॉट को, समझिए प्लॉट क्या है। जो मेरा डेटा है वो डेटा, अब यहां पे जो डेट लगा हुआ है, ये डेट मैंने दिया नहीं है, ये डेटा आपने अपने मन से लगाया सर, जी सर जी, गलत है, क्योंकि टाइम यहाँ पे सिर्फ टाइम तो नहीं, डेट एंड टाइम इकट्ठा है ना सर। सो यहाँ पे डेट नहीं लगेगा, आपने डेटा को एडिट मत कीजिए, जब भी डेटा हो कभी एडिट करने की कोशिश मत कीजिए, कोई भी रिपोर्ट बना रहा हो डेटा जैसा वैसा रखिए, ठीक है ना। जी तो मेरे पास जो डेटा है कि नेम है, किस दिन को आया, किस दिन को बाहर गया, तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं तो इसने क्या रखा है, डेट सिर्फ टाइम दिख रहा है ना, लेकिन जब इसकी फॉर्मेटिंग में जाए, फॉर्मेटिंग में जाए या फिर उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको यहाँ डेट भी दिख रहा है, दिख रहा है डेट, मतलब डेट एंड टाइम इकट्ठा डाला हुआ है इसमें, बट फॉर्मेटिंग ऐसी की गई है कि सिर्फ टाइम दिख रहा है। तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में, यहाँ टाइम में, टाइम की फॉर्मेटिंग में, डेट एंड टाइम या डेट की फॉर्मेटिंग में आते हैं, यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम दिखेगा। अब डेट एंड टाइम नहीं दिख रहा है तो कस्टम फॉर्मेटिंग में बना लेते हैं, यहाँ पे HH/MM/SS, ठीक है। तो अब आपका डेट के साथ टाइम भी दिख रहा है। अब यहाँ पे डेटा किसका है समझिए, डेटा ये है कि वो थंब इम्प्रेशन या एक्सेस कार्ड यूज करता है ना, उसका डेटा है, तो बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए यूज करता है, वो दोनों को अलग अलग किया गया कि इन वाले दरवाजे पे, दरवाजा ने बाहर से कितना बार पंच किया है और अंदर से कितना बार पंच किया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा दिन में कई बार अंदर बाहर हुआ है, तो मुझे उसकी सबसे पहले जो अंदर आया था 100 और सबसे बाद में जो बाहर गया था 100 उसका रिकॉर्ड चाहिए डेट के हिसाब से। समझ गए, सबको समझ में जी आया। तो जी अब हम क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करके हम जाएंगे पिवट टेबल और पिवट टेबल लगाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए डेटा में कि आपको यह दिख तो रहा है डेट, जब इसको आप जनरल फॉर्मेट करेंगे तो नंबर होगा, तो डेट हमेशा, डेट एंड टाइम हमेशा नंबर में होता है। और जो नंबर में दिख रहा है, होल नंबर दिख रहा है, वो आपका डेट है, जो डेसिमल में दिख रहा है वो आपका टाइम है। एक्सेल ऐसे स्टोर करता है, 1=24 के फॉर्मेट में स्टोर करता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता करना है नेम वाइज, हमने नेम यहां पर रख दिया, मुझे ऊपर डेट चाहिए तो इन को लेके ऊपर रख देता हूं, तो इस तरह से आएगा, तो इसको हम राइट क्लिक करके ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप। अब इसमें हो सकता है कि 2 साल का डेटा हो या मंथ का डेटा हो, तो डेज मंथ और ईयर तीनों कर देता हूं। तीनों करने के बाद यहां पे हम डे, यहां पे इनको रहने देते हैं, मंथ और ईयर को फिल्टर में कर देते हैं ताकि हम फिल्टर के हिसाब से देखते रहे। और यहां पे ये फायदा ये हुआ कि मुझे एक एक दिन का डेटा आ गया। अब 1 महीने का डेटा हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको उठाइए कॉलम में रख दीजिए, ग्रुप कर दीजिए डेट वाइज। बट यहाँ पे डेटा जो है कई साल का डेटा है, तो नहीं एक ही साल का डेटा है, ये तो इसमें एक ही साल का डेटा है, मंथ से टाइम था एक ही साल का डेटा है और एक ही महीने का डेटा होगा मेरे हिसाब से। नहीं, नहीं महीने तो कई यहाँ पे दिख रहा है, पर डेटा कहाँ आ रहा है, उन्होंने जो डेट स्क्रॉल कर दिया था ना शायद उससे अलग अलग ईयर का डेटा दिख गया था उनको, एक ही महीने का डेटा लिखा, जैन का जून का, जून जी जून का। तो इसमें वो ईयर लगाने का झंझट ही नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो आप जो है इसके मंथ और ईयर को यहां से हटा दिए। अब मुझे यहां पे चाहिए इन और आउट, तो मैं इन को रखता हूं और यहां आउट को रखता हूं, बाय डिफॉल्ट काउंट आ रहा है। और ये भी मैंने बताया कि जो नंबर है, जो डेट टाइम है नंबर है, मतलब कि जब आया, मान लीजिए कि मैं आज जो है 10 बजे, 10 बजे ऑफिस में आया, ठीक है, और 22 बजे ऑफिस से गया, अब बीच में हो सकता है कई बार आया गया हो, लेकिन सबसे छोटा तो 10 है और सबसे बड़ा तो 22 है। मैक्सिमम मिनिमम हाँ, तो यही पे हम क्या करेंगे अपने डेटा में कि यहाँ इनको मैक्स ले लेंगे, यानी मिन ले लेंगे, मतलब सबसे पहले कौन आया, मतलब सबसे छोटा कौन सा है, मिनिमम
और मैक्स को यहाँ इसको आउट को मैक्सिमम ले लेगा कि सबसे बाद में क्या है, सबसे बड़ा क्या है। अब यहाँ भी इस तरह का नंबर दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट करके टाइम कर देना। और इसमें जो थी ब्लैंक जगह पे है तो ब्लैंक को पिवट टेबल ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ ए कर देंगे, अपसेट। अपसेट हो गया सर। ये मैक्स और मिनिमम क्यों कर, क्या सर ये मैक्सिमम और मिनिमम क्यों लगाया? मैं वही तो समझाया आपको, आपने बोला हाँ समझ में आ गया। हमने क्या बोला? सबसे पहले बताइए कि जो ये डेट एंड टाइम क्या है नंबर में, राइट? नंबर है इसका मतलब है कि मिनिमम मैक्सिमम जैसे फॉर्मूला काम कर सकता है, समझ गए? और जो नंबर होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 10 बजे डाला ना सर, 10 बजे गया आया, 11 बजे आया, यहाँ पे मैं 18 बजे निकला, मैं 22 बजे निकला, तो अब मुझे सब यहाँ पे अगर मिन लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कि कब मैं आया था, ठीक है? और मैच लगा दूंगा तो पता चल जाएगा कब मैं गया था। क्लियर हुआ जी? तो कहने में तो जो टाइम की एंट्री है रिपीटेड है, जैसे मनी की एंट्री एक दिन में 10 बार है तो 10 बार या 4 बार है, 4 बार कुछ इस तरह से होगी। इनमें इन मान लीजिए, एक मान लीजिए अगर आपका इन है तो इन में हमने समझ लिया कि सुबह 10 बजे पंच किया, फिर 11 बजे पंच किया, फिर 18 बजे पंच किया, फिर 22 बजे पंच किया, तो सबसे कम पंच टाइम जो हुआ मिनिमम हुआ मतलब कि वो 10 बजे हुआ, मतलब सबसे पहला हो 10 बजे पंच किया मतलब कि उस दिन हो उतना टाइम पे आया था, समझे? जी सर। और इसी तरह से अगर मान लीजिए आउट में होगा कि वो 10 बजे गया, 11 बजे बाहर गया, 18 बजे बाहर गया और 22 बजे बाहर गया, और 22 बजे के बाद बाहर जाने के बाद इसमें कोई एंट्री नहीं है, तो हम यहाँ पे मैच लगाएंगे तो पता चलेगा कि 22 बजे ऑफिस से बाहर गया, क्योंकि उसके बाद उसको बाहर जाने की कोई एंट्री नहीं है, समझे? तो सर इससे ऐसे कैसे पता चलेगा कि 10 बजे आया और 11 बजे बाहर गया? सर ये अलग कॉलन में है ना, है इसमें जो टाइमिंग है वो इन की टाइमिंग है, इसमें जो टाइमिंग है वो आउट की टाइमिंग है, तो दो अलग अलग कॉलन में है ना। ये आउट मान लीजिए और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने एक ही टाइम दिया हुआ है, इसमें 10 नहीं होगा, मान लीजिए कि 11 बजे बाहर गया है, ये 12 बजे गया है मान लीजिए, ये 19 बजे गया है बाहर मान लीजिए, और ये और मान लीजिए 23 बजे बाहर गया। अब समझ में आया आपको? जी जी जी। आउट है, दोनों अलग अलग डेटा है ना मेरे पास, एक ही डेटा में होता तब कंफ्यूजन होता ना, जैसे कार्ड डेटा था इसमें कंफ्यूजन था कब आएगा कब गया, इसमें कंफ्यूजन था ना, बट इसमें तो मेरे पास अलग अलग डेटा दिया गया है कि इनका कॉलम अलग है आउट का कॉलम अलग है। ये जो कॉलम है ये आउट का कॉलम है कि अंदर से बाहर जाने वाले कार्ड पंच किया गया है, ये बाहर से अंदर वाले पे कार्ड पंच किया गया, इसकी जो मैक्सिमम इस कॉलम की जो मैक्सिमम होगा वो आपका आउट शो का होगा, जो इसमें जो मिनिमम होगा वो इनका होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताया कि मनी का टाइम मैंने फिल्टर किया मान लीजिए, तो मनी का इन कॉलम में ए टाइमिंग आया और मनी के आउट कॉलम में ए टाइमिंग आया, तो मिनिमम निकालने के लिए इन निकालने के लिए हमने मिनिमम दे दिया कि सबसे पहले कब कार्ड पंच किया, और बाहर जाने के लिए मैंने मैक्सिमम कर दिया कि सबसे बाद में कार्ड कब पंच किया, समझे? जी जी सर। तो यहां पे हमारे पास आ गया और फिर इसको मैंने क्या किया, टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा फॉर्मेट लगा के। अभी जैसे ये देखेंगे तो ये आपका जनरल फॉर्मेट में है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा पिवट टेबल पेज पे टाइम पे और एएमपीएम वाला फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, और नीचे जो ये आ रहा है ना इसको राइट क्लिक करके इसमें पिवट टेबल ऑप्शन में टोटल फिल्टर्स में इसको हटा देता हूँ ना दिखे, ठीक है? और राइट क्लिक करके मैंने क्या किया, पिवट टेबल ऑप्शन में मैंने यहाँ पे ए कर दिया ताकि जो ब्लैंक वाले हैं वो अब्सेंट हो जाए, मतलब उस दिन कोई एंट्री नहीं होता कि अब्सेंट है, और मैक्स इन मीन मीन इन है उसके जगह पे मैं इन लिखूंगा स्पेस मारूंगा आ जाएगा रिजल्ट, अब आउट मारूंगा स्पेस दूंगा आउट आ जाएगा, इन आउट आ गया और यहाँ पे नेम हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इसकी आवर्स पता करनी,
कितना देर उस दिन काम किया, तो ये चीजें पिवट टेबल से नहीं होगी, पॉसिबिलिटी नहीं। नहीं वीवीए पे भी नहीं जाएंगे, इसके लिए हम इसके लिए नॉर्मल इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके एक अलग सीट पे इसको पेस्ट एज ए वैल्यू करेंगे, ठीक है। पेस्ट एज ए वैल्यू करने के पीछे पर्पस ये है ताकि जो पिवट का लिंक है वो हट जाए, फिर वापस पेस्ट स्पेस में पेस्ट एज ए इसमें हमने फॉर्मेट कर दिया, दो बार कर दूंगा तो उसकी फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी। आगे अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला कि हर दो कॉलम के बाद एक नया कॉलम ऐड करना है और उसका हेडिंग में आवर्स देने है, इस तरह से क्या और इस तरह से आवर्स वर्किंग आवर्स, हाँ वर्किंग आवर्स करें हर दो के बाद इस तरह से यहाँ पे आवर्स। ये क्या करते हैं एक ही बार में पूरा सिलेक्ट करते हैं, इसके लिए होता है कंट्रोल कंट्रोल सेमी कॉलन से और कॉलन और शिफ्ट सेमी कॉलन से रो, शिफ्ट स्पेस बार माफ कीजिए कंट्रोल स्पेस बार से कॉलन और शिफ्ट स्पेस बार से रो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन एक एक करेंगे तो 30 बार करना पड़ेगा ना हमें, इसका भी एक शॉर्टकट, हम एक रो इंसर्ट करेंगे और इसमें मैं दूंगा 1 1, सॉर्टिंग मेथड जो समझाया था वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, फिर 1 कर दिया और फिर इसको आगे के तब ड्रैग कर, ध्यान से देखिएगा शिवम जी, मैंने क्या किया दो बार 1 मैन्युअली लिखा फिर तीसरे कॉलम में पहले वाले 1 पे प्लस 1 कर दिया, फिर जब इसको ड्रैग करें तो दूसरे वाले 1 पे प्लस 1 किया, फिर वापस से पहले वाले 2 पे प्लस 1 किया, फिर दूसरे वाले प्लस 2 पे प्लस 1 किया, तो ऐसे क्या हुआ कि हर बार मुझे एक हर नंबर दो दो बार मिल गया, दो दो वैसे ही मिला के हर दो के बाद मुझे एक कॉलम ऐड करना है, इसलिए हर नंबर को दो दो बार लिया। उसके बाद फिर यहां पे सेम 30 तक है तो 30 तक मुझे नंबर चाहिए लेकिन 1 टाइम, तो मैं इसके लिए फिल सीरीज का यूज करूंगा लीनियर और इसमें हम 30 कर देते हैं, तो 30 तक आ गया, 21 तक ही आया, सिलेक्शन ज्यादा करना चाहिए था। यहाँ पे 30 तक आ गया। अब इसके एक रो नीचे जो यहां इन आउट है उसके उसी के सामने हम यहां पे क्या लिखेंगे आवर आवर्स, ठीक है, और इसको हम ड्रैग कर देंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे जो करना चाहे कर सकते हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला है तो इसको कॉपी करके मैं इसको पेस्ट वैल्यू करूंगा ताकि फॉर्मूला रिमूव हो जाए। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें देखिएगा नेम को सिलेक्ट मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा नेम को सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद मैंने सिलेक्ट कर लिया डेटा को नेम के पास और शॉर्ट में गया, कस्टम शॉर्ट में ऑप्शन के अंदर में होता है लेफ्ट टू राइट, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट और ओके किया, और इसमें मैंने रो 1 के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया, तो यहाँ पे 1 1 यहाँ पे 1 1 है, 1 1 जो है सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट वाला 1 इसके बगल में आ जाएगा शॉर्ट होके, और वो आएगा तो पूरा कॉलम लेके आएगा, उसका कॉलम ब्लैंक है, एक ब्लैंक कॉलम ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ऐड हो गया सर। शिवम जी समझ में आया आपको कि नहीं? जी 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 सर आ गया। और फिर मैंने 1 को डिलीट कर दिया और फिर अपना इस डेटा को सिलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है कि माइनस करना है हमें कि आउट माइनस इन, आउट माइनस इन सिलेक्ट किया, लेकिन जो ब्लैंक है उसी में करना है, सब में नहीं करना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा यही फाइन एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल में यहां पे आता है ब्लैंक, ब्लैंक पे क्लिक करके ओके किया, जितने ब्लैंक सेल थे वो सिलेक्ट हो गया, बाकी डेटा सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर मैं इक्वल प्रेस करके लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट करूंगा, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट। अब मैं नॉर्मल एंटर मारूंगा तो सिर्फ एक D3 पे जहां भी टाइप हो रहा है वहीं पे टाइप होगा, लेकिन मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा पूरा सिलेक्टेड एरिया में वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या होता है कि एक सिलेक्ट एरिया सिलेक्ट करके बाद अगर कुछ टाइप करते हैं आप एंटर प्रेस करते हैं तो सिर्फ उतने एरिया में उतने जिसमें टाइप किया वही होगा, लेकिन टाइप करने के बाद चाहे फॉर्मूला हो चाहे नॉर्मल डेटा कुछ भी टाइप करते हैं उसके बाद आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो पूरा सिलेक्टेड में कॉपी पेस्ट होगा।
में वो ये हो जाता है ड्रैग हाँ हो। तो इसमें जो हमने इसमें जो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया सी बी सी थ्री माइनस बी थ्री, कंट्रोल एंटर मार के इस फॉर्मूले कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जानते हैं जब भी फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होता है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है ना, जब नीचे आया तो वो सी थ्री की जगह फोर आ गया, फाइव आ गया, सिक्स हो गया। ऐसे जब यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ तो दो रो बढ़ गया, तो जहां सी थ्री बी थ्री था वहां पे ई थ्री एफ थ्री हो गया, तो एक बार में सारा आपका हो गया और ये आपने अपना अटेंडेंस बना लिया। ठीक है सर, आवर्स ये पीएमएम में क्यों दिखा रहा है ये जो आप निकाल रहे हैं अभी? अच्छा, ओ इसमें फॉर्मेटिंग लगा हुआ है ऐसा इसलिए दिख रहा है, आपको फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग हटाना पड़ेगा इसको। पीएमपीएम वाला ने ए देखो ये वाले ले लीजिए आ जाएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो भी उसके हिसाब से सिस्टम के हिसाब से टाइम है, आपके लिए लग रहा है डिफरेंस है कि सिस्टम तो उसको टाइम समझ रहा है ना। ठीक है शिवम जी, समझ में आया आपको कि नहीं? जी 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 सर आ गया। सिस्टी आपको समझ वैल्यू वैल्यू दिख रहा है, इसको नहीं हटा सकती, ऐसे ही रहेगा। इसलिए वैल्यू दिख रहा है क्योंकि ये एक अपसेंट लगा हुआ है और किसी भी करेक्टर पे किसी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकती, कैलकुलेशन नहीं कर सकती, इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसके लिए हमें इफ एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इफ एरर का फॉर्मूला मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं दिखना चाहिए तो आप फॉर्मूला ना लगा के कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया हुआ है शायद याद हो तो, न्यू रूल्स फॉर्मेट सेल, यहां पे बताया था एरर, और एरर्स की फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे, इसकी फॉन्ट कलर को व्हाइट कर देंगे। क्या कर देंगे? व्हाइट। बैकग्राउंड व्हाइट है तो फोरग्राउंड व्हाइट व्हाइट रहेगा, दिखेगा नहीं। देन ओके दिख रहा है? तो सब चीज पूछा नहीं जाता है, उस पर कुछ अपना भी इंप्लीमेंट किया जाता है। हम सोच रहे थे कि ए के जगह पे जीरो करें तो वो हो जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं।